गाइस यार तुम लोग ये मेन हाईवे से कहाँ लेके आ गए? हल्क को शॉर्टकट पता है, हल्क तुम्हें ले जाएगा। ओडिन पुत्र बोलता है कि हल्क सही बोल रहा है। अरे यार ये कहाँ लेके आ गए, इतनी ज्यादा धुंध हो रही है यार, देख ले टोनी। अरे मुझे नहीं पता जो हल्क बोल रहा है वहां से लेके जाओ। हल्क बोलता ऊपर से लेके जाओ। अरे गाड़ी फंस नहीं जाएगी यहाँ पर? हल्क नहीं फंसेगी। अरे ये क्या, अबे ये गाड़ी सही में फंस गई, यहाँ पर झूल रही है। अरे समेत भैया तुमने गाड़ी फंसा दी। अबे पागल तुम लोग ऐसे जगह पर लेके आए हो मेरे को, मैंने क्यों थोड़ी गाड़ी फंसाई है, ये इतनी बेकार सी गाड़ी यहाँ फंस गई। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैंने बेकार गाड़ी ली है। अबे टोनी मैंने ये नहीं बोला है कि तेरी गाड़ी बेकार, पर ये इस जगह के लिए नहीं बनी है। अब हम लोग क्या करें, हमारी गाड़ी फंस गई और क्या करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे जब तक कोई टो करने वाला नहीं आता है यहाँ पर। अबे तुम लोग साइमी घंटोलियो यार, एक नंबर के यहाँ फंसा दिया, नहीं पता कहाँ पर किसके खेतों में आ गए हम लोग। हल्क की गलती नहीं है इसमें, सुमित की गलती है। खटारा गाड़ी यार यहाँ पर इतनी छोटी सी मट्टी में फंस गई यार, अब इसको बाहर कैसे निकालूं यार। एक काम करो धक्का दो ना तुम लोग। हम क्यों दे धक्का, तूने फंसाई है तू दे धक्का। हाँ सुमित भैया तुमने फंसाई है, तुम दोगे धक्का हम क्यों देंगे। अरे यार तुम लोग तो बड़े बेकार हो सारे सारे। हल्क नहीं देगा धक्का, सुमित देगा धक्का। भाई मुझसे ना निकलने वाली है गाड़ी, तो एक काम करो सब लोग वेट करो यहाँ पर जब तक कोई आना जाए हेल्प करने। आएला मतलब हम लोग यहाँ पर फंसे रहेंगे? अबे स्पाइडरमैन ये नहीं है ठीक है ना। हल्क कहता है कि सुमित को मारो। अरे मेरे लेके तुम किसी को मारो या किसी को छोड़ो, पर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए, मुझे तो बहुत ही तेज वाली भूख लग रही है। अबे सिंचन किसी के खेत में से कोई फल फ्रूट मत तोड़ लियो, मारेंगे बहुत ज्यादा। अरे सुमित भैया तुम चुप रहो यार, इतनी धुंध के अंदर किसी को दिखेगा किसी खेत में से कोई कुछ चुरा रहा है। गाइस यार देखो यहाँ पर कोई फल फ्रूट उग रहा है क्या, कहीं पर संतरा वंतरा दिख जाए तो बताओ यार, मैं तोड़ के खा लूंगा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। काफी देर से मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ और नहीं हमें कोई रेस्टोरेंट मिल रहा दूर दूर तक। अरे गाइस यार वो क्या है उसके अंदर, अभी जाके देखता हूँ जल्दी सी। अरे गाइस ये तो कुछ कोई खतरनाक चीज है। अरे गाइस यार ये तो इतना बड़ा वाला बर्गर है। अरे दोस्तों यहाँ पर आओ, मुझे देखो कितना बड़ा वाला बर्गर मिल गया, जल्दी आओ इसको खाएंगे, कितना रंग बिरंगा बर्गर है, लगता है किसी ने बर्गर की खेती कर रखी है यहाँ पर, जल्दी आओ दोस्तों बर्गर खाएंगे। वेट ए सेकंड, अबे तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ भाग गया, क्या मिल गया तुम लोगों को? अरे सुमित भैया तुम का क्यों आए हो यहाँ पर? भाई क्या कर रहा है अबे, ये क्या है? अरे सुमित भैया देखो किसी ने बर्गर उगा रखे हैं। अबे पागल है क्या, कोई बर्गर थोड़ी उगा सकता है। अरे सुमित भैया मुझे पता है तुम हमें खाने को मना करोगे, इसलिए मैं तुम्हें बुला भी नहीं रहा था, तुम क्यों आए यहाँ पर? अबे यार ये किसी चोरी है सिंचन, किसी के खेत में से चुरा रहा, और बाय द वे बर्गर कभी पेड़ पे नहीं उगते। अरे सुमित भैया तुम जाओ यहाँ से, मैं बता रहा हूँ कोई भी इसको खाएगा नहीं ठीक है। टोनी समझ में आया? ठीक है सुमित हम इसको नहीं खाएंगे, एक भी कोई अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाया ना। हल्क को भी भूख लग रही है। आइला मुझे भी लग रही है। ओडिन पुत्र को तो हमेशा लगती रहती है। मेरी बात मानो कोई इसको नहीं खाएगा, और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कोई ये अच्छा बर्गर है, अगर इसे खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम लोगों को ऊपर छोड़ के, मैं गाड़ी को बाहर निकालता हूँ जब तक ठीक है। अरे गाइस ये क्या, अब तुम लोग उस बर्गर को खा गए? अरे सुमित भैया खा लिया हमने तो। अब तुम लोग पागल हो, पता नहीं वो कैसा बर्गर होगा। आइला हमने खा लिया। हल्क को तो बहुत पसंद लगा वो बर्गर। हाँ सुमित भैया बहुत मस्त था। अबे तुम लोग सैमी पागल हो यार, तुमने क्यों खाया उस बर्गर को, क्या पता कैसा बर्गर हो, कितना जहरीला हो, और तुम लोग उसे खा भी गए। अरे सुमित भैया तुम रोया मत करो, हमेशा ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, हमें खा लिया बस। हाँ सुमित हमने खा लिया। अरे सुमित भैया बहुत तेज टट्टी आ रही है। अबे क्या हो गया तुम लोगों को? लगता है उस बर्गर के अंदर कुछ खराबी थी। अबे मैंने बोला था ना ऐसे कहीं से भी उठा के कोई बर्गर मत खाओ, अब तुम लोगों को लूज मोशन लग चुकी है, अब मैं क्या करूं। अरे सुमित भैया हमें टट्टी करनी होगी कहीं पर। अबे यहाँ पर मत करना, किसी खेत के अंदर करोगे तो वो मारेगा। एक काम करो मैं कहीं पर टॉयलेट ढूंढता हूँ, तुम लोग जब तक रोक के रखना। हल्क को जल्दी करना, हल्क को टट्टी आ रही है। आइला मेरे को बहुत तेज पोटी आ रही है। ओडिन पुत्र तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, यहीं पर कर देगा। अबे कंट्रोल करो मारेगा भाई। आइला मम्मी टट्टी आई बहुत तेज। अरे सुमित तुम्हें ढूंढना होगा जल्दी से कहीं पर टॉयलेट, वरना हम लोग यहीं पर कर देंगे, सैमी हमने तो गलत खा लिया उसे। अरे सुमित भैया जल्दी ढूंढो प्लीज, हमारी मौत निकल जाएगी वरना। गाइस यार मैंने इन लोगों को मना किया था कि उल्टा सीधा मत खाना कहीं से खेत में तोड़ के, भाई अभी लोगों को लूज मोशन लग चुकी है, मेरे को जल्दी जाके यार कहीं पर टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ किसी के खेत को गंदा कर देंगे। इनको मारूंगा फिर, मैं मारूंगा तो क्या वो खेत का मालिक आके मारेगा यार, गंदी बात होती किसी खेत में टॉयलेट कर रहे हैं अगर हम उतना। एक काम करता हूँ गाइस यार मैं जल्दी टॉयलेट ढूंढता हूँ, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर कहीं पर टॉयलेट दिख रहा है यार, एक इतनी ज्यादा धुंध हो रहा कि स्मोक हो रहा है यार, दूर दूर तक कम ही दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। गाइस यार यहाँ देखता हूँ ये झोपड़ी सी है, कुछ टूटा फूटा है, यहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए यार। ओके गाइस यार दिखे तो मुझे बताना कहीं पर टॉयलेट। अरे कहीं टॉयलेट, अरे एक सेकंड गाइस देखो ये रहा टॉयलेट। अबे इस टॉयलेट को ढक क्यों रखा है, पागल है क्या, लगता है कोई इसके अंदर सोच नहीं करना चाहता इसलिए इसको ढक रखा है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। चलो गाइस यार एकदम सही टॉयलेट है, चलो यार इनको जल्दी बुला लेता हूँ। अरे आ जाओ मिल गया यहाँ पर टॉयलेट, जल्दी आ जाओ यहाँ पर कर लो आके पोटी। अरे समित भैया तुम्हारा शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है आनंद। अबे
जी सिंचन कैसे पादे जा रहा है। अरे सुमित भैया टट्टी बहुत तेज निकल रही है इसलिए ऐसी है लगेगा। अरे यार कितना गंदा है जी सिंचन तू। अरे सुमित भैया मुझे हल्का होने तो आराम से मजा आ रहा है। ठंडा 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 किसको लगता है फ्रेश होते वक्त। अरे सुमित भैया मुझे लगता है ठंडा ठंडा मजा आ रहा है। ओ ओ बहुत मजा आ रहा है। अरे हटो जल्दी से सिंचन अब मुझे जाने दो बहुत तेज प्रेशर बन रहा है। ओ बहुत सही लग रहा है मेरे को। सही यार आगे से कभी भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे बाहर का खाना खाओ पर ऐसे किसी के खेत में से तोड़ के मत खाओ लूज मोशन ही लगती है। अरे सुमित क्या ही बताऊं तुम्हें बहुत तेज लूज मोशन लग रही है। ओ छी यार कितना गंदा है तू बहुत गंदा है कैसे पागलों की तरह टट्टी करे जा रहे हैं। अरे सुमित यार बहुत तेज लूज मोशन लग रही है क्या ही बताऊं तुमको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मुझसे। तो लगता है कुछ अंदर फंस चुका है उसको हिला हिला कर बाहर निकालना होगा। अबे तू खड़ा होता है पिटके जाएगा। अरे सुमित रुको तो बस हो गया थोड़ा सा रह रहा है। ओह बाहर आ गया बाहर आ गया नाइस। हल्क को भी जाना है जल्दी हटो टोनी जल्दी। अबे हल्क ये क्या कर रहा है पागल है क्या। अबे ढंग से इसके अंदर बैठ तो। हल्क के लिए ये बाथरूम नहीं बना ये बहुत ज्यादा छोटा है हल्क को बड़ा चाहिए। अबे हल्क मैं बात मान हल्क इसके अंदर कर देगा। अबे हल्क मत कर आराम से बैठ ढंग से तो बैठ इसके ऊपर। ओ शिट गाइस यार ये क्या कर दिया तूने। हल्क ने क्या कर दिया। अबे तूने तो बाहर ही पोटी कर दी। अबे छी यार। अरे सुमित भैया ये तो बहुत ज्यादा गंदा है। ओ यार ये तो सही में बहुत ज्यादा गंदा है। अबे यार यहाँ पर स्पाइडरमैन और थोर कंट्रोल करके बैठे हुए ये देख रहे क्या कर रहा है यार बार बार कर रहा है। अरे ये क्या छी 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 हल्क ने ये क्या कर दिया बाहर क्यों पोटी कर दी। मेरे तो सारे कपड़े भी गंदे करवा दी घर जाके धोने पड़ेंगे पर पहले मैं पोते तेज कर लेता हूं। आ मजा आ गया। ओडिन पुत्र थोर को तो बहुत मजा आ रहा है कितना अच्छा संडास है। तुम लोगों के साथ आगे से मैं कभी भी कोई ट्रिप पे नहीं आऊंगा। अरे सुमित ऐसे तो हो जाता है इंसान है हम कोई जानवर नहीं। अब जानवर भी टट्टी करते वैसे तो। अरे छी यार गाइस यार देख रहे हो तुम लोग इन्होंने पूरा टॉयलेट गंदा कर दिया है। अरे सुमित साफ कर लो। हाँ तुम लोग हगो और उसे मैं साफ करूँ पागलो क्या। और अब तुम लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर मालिक आए इससे पहले यहाँ से भगलो और स्मोक भी गायब हो चुकी है। चलो यार जल्दी से लिखता हूँ सारी सारी धुंध गायब हो चुकी है कोई दूर से देख लेगा हम किसी के खेतों में घुस रहे तो मारेगा भाई पटक के। चलो निकलो यहाँ से जल्दी सी। हल्क तुम्हारे पीछे है सुमित आ रहा है हल्क जल्दी आ जाओ गाड़ी के अंदर बैठ के निकलते हैं यहाँ से जल्दी से भागो भागो गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर अवेंजर्स और सुमित सिंचन सब लोग अपने घर पर जा रहे थे पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसका संडास वो गंदा करके आए हैं वो असल में एक टॉयलेट मॉन्स्टर है। किसने मुझे जगाया मैं काफी सालों से यहाँ पर सो रहा था और ये क्या मेरे ऊपर किसने सोच किया। किसी ने मेरे ऊपर टट्टी कर दी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मुझे पूरा गंदा कर दिया। मुझे एक एक का पता है किसने मुझे गंदा किया है। मैं हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर और उनको मार डालूंगा जिसने भी मुझे गंदा किया। हल्क आयरन मैन थोर स्पाइडरमैन सिंचन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या आप लोगों ने देखा कि वो असल में टॉयलेट एक टॉयलेट मॉन्स्टर है और वो सभी एवेंजर्स और सिंचन को मारने वाला है। अब क्या होगा उन्हें कौन बचाएगा। सच्ची सच्ची बताऊं आज की ट्रिप एकदम गंदी थी एक रुपए का मजा नहीं आया। तुम्हारे चक्कर में तुम लोग उल्टी सीधी चीज खा लेते हो उसके बाद यहीं कहीं पर भी तुम पागलों की तरह हगने लग जाते हो। तुम ले एक नंबर के टफर हो तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है। अरे सुमित तुम तो एक नंबर के नॉनसेंस हो। हाँ हल्क सही बोल रहा है ये एक नंबर का नॉनसेंस है। अबे तुम लोग मेरे को लेक्चर देने की जगह अपनी हरकतों को सुधारो। भूख लग रही है कि साथ किसी के खेत में से कुछ भी चुरा लिया। हल्क को भूख लगेगी तो कुछ भी चुराएगा। ओडिन पुत्र थोर भी यही कहता आइला लगता है मेरा लूज मोशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है मैं जाके फ्रेश होकर आता हूँ। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बर्गर इसी ने खाया होगा। हाँ सुमित इसी ने खाया है। आइला अरे टॉयलेट जाता हूँ जल्दी सी। अरे ये क्या। अरे आइला ये कब कर दिया। अरे टॉयलेट यहाँ पर क्यों आ गया। मेरे को लगता है टोनी शार्क सर जी ने अपना टॉयलेट यहाँ पर बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया होगा। आइला चलो यहाँ पर जाके सोच लेता हूँ। आइला ये क्या इतना गंदा क्यों है रे। आइला बहुत ज्यादा गंदा चलो पर जल्दी से कर लेता हूँ। मजा आ रहा है आइला मजा आ रहा है ओ ले इतना बड़ा आइला ला ला अरे छी 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 इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है इसके अंदर से पता नहीं कब से धुलवाया नहीं है टोनी शार्क अंकल ने। पागल एक नंबर के सर जी पागल हो पागल आप अपने टॉयलेट को साफ क्यों नहीं करवाते। आइला आला ला ला आइला ये क्या मैं इसके ऊपर से खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। आइला ये क्या चक्कर है। तुम नहीं बचोगे स्पाइडरमैन। आइला ये कौन बोला। आइला कौन बोला। स्पाइडरमैन मैं हूँ टॉयलेट मॉन्स्टर। आइला अरे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया। तुमने असल में मेरे को गंदा किया था वहाँ पर याद है उस झोपड़ी में। आइला क्या कर रही है। मैं तुम्हें खा रहा हूँ।
अरे सुमित, लगता है मेरा भी थोड़ा पेट खराब हो गया। लगता है वो बर्गर का असर अभी भी मेरे पेट के ऊपर है। मैं जाके देखता हूँ स्पाइडरमैन का बच्चा कहाँ पर रह गया। इतना देर कौन लगाता है सोच करने में। अरे ये क्या, ये टॉयलेट बाहर क्यों रखा हुआ है? ये क्या चक्कर है? और ये टॉयलेट इतना ज्यादा गंदा क्यों है? मेरे को तो लगता है ये हल्क के काम है, या फिर आज सफाई करने वाला नहीं आया। पर मेरा टॉयलेट तो इतना गंदा हो भी नहीं सकता। आखिर ये किसका काम है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत टोनी स्टार्क? अरे ये क्या, ये क्या चीज है? अरे ये क्या आ गया? अरे बचाओ मेरे को, इसने मुझे पकड़ लिया, बचाओ। अरे ये क्या गाइस यार, तुम लोगों को चिल्लाने की आवाज आई? ऐसे में मुझे भी आई। अभी जाके देखता हूँ गाइस यार क्या चल रहा है। मेरे को लगता है टोनी स्टार्क अभी चिल्लाया था, जाके देखता हूँ। अरे गाइस यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे यार ये क्या है, टोनी स्टार्क ये कौन है? मुझे बचाओ सुमित, इसने मुझे पकड़ लिया है। गाइस यार ये क्या, ये तो टॉयलेट है, ये यहाँ क्या कर रहे? मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, तुम लोगों ने मुझे गंदा किया। अरे सुमित ये किसका टॉयलेट है? मुझे नहीं पता सिंचन ये क्या है। अरे ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे बचाओ सुमित, ये मेरे को खा जाएगा। मैं इसे फ्लश कर दूंगा और इसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। गाइस यार अभी बताता हूँ, ये ले अभी इसको भगाता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ओ गाइस यार वो भग गया यहाँ से। अरे सुमित वो क्या था? अरे वो ऐसे बोला कि हमने उसे गंदा किया था। मतलब यार ये वही टॉयलेट तो नहीं है जिसको तुम लोगों ने गंदा किया था? गाइस यार मेरे को ऐसा लगता है वो असल में कोई नॉर्मल टॉयलेट नहीं था जिसको इन लोगों ने गंदा किया था वहाँ पर। वो कोई मॉन्स्टर टॉयलेट है। अब वो इनके लोगों के पीछे पड़ा है। और स्पाइडरमैन कहाँ गया? लगता है स्पाइडरमैन को ये पहले ही खा चुका है, फ्लश कर चुका है अपने अंदर। ओह गाइस यार वो पता नहीं अभी कहाँ गया होगा। सभी लोग चौकन्ना रहना, वो कहीं से भी आ सकता है। इन्हें क्या लगता है ये मेरे ऊपर अपनी गंदगी छोड़कर बच जाएंगे? मैं टॉयलेट मॉन्स्टर, इनको ऐसे नहीं तो अपनी शक्तियों से मारूंगा। इसके बेड़ी बेड़ी इसके बेड़ी की बेड़ी इसके ब्लिप क्लिप क्लिप टॉप टॉप टॉप्स यस 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 इसके ब्लेडे ब्लेड अप टॉप्स या प्लप प्लप टॉप्स टॉप्स। ओ गाइस यार ये आ गया। हां ये लो। अरे सुमित भैया ये तो बहुत पावरफुल है। गाइस यार इसको रोकना होगा। अरे सुमित मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुमने मुझे गंदा नहीं किया। मैं इनको मारूंगा जिन्होंने मुझे गंदा किया। हल्क को बचाओ, ये मुझे खा गया। हल्क को बचाओ। ओ नो गाइजर ये हल्क को खा गया और ये टोनी स्टार्क को भी खाने जा रहा है। ओ नो 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 गाइजर मुझे इसको मारना होगा कैसे करके। हाँ सबको खा जाऊंगा। ओ गाइजर ये टोनी स्टार्क को भी खा गया। अब इसको बताता हूँ, ये ले ये ले ये ले ये ले। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गोलियां मेरे ऊपर कोई असर करेंगी? ये ले तेरी है तेजी। हाँ ये क्या, तुमने मुझे में आग लगा दी। अब नहीं बचेगा तू। ये ले अभी मार दूंगा तेरे को। अरे गाइजर वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं टॉयलेट मॉन्स्टर। पर गाइजर वो तो असल में ये क्या है भाई साहब? अरे सिमडेस के पास मत जाओ। एक सेकंड देखता हूँ गाइस यार ये तो ऐसे कुछ है काला काला सा। अरे सिमित भैया हल्क कहाँ चला गया? टोनी स्टार्क अंकल और वो कहाँ गया स्पाइडरमैन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर गाइस यार वो इन लोगों के पीछे भी जरूर आएगा। उन लोगों को उसने मार दिया है। ये पक्का सिंचन और थोर तेरे पीछे भी आने वाले हैं। ओडिन पुत्र थोर को मरना नहीं है अभी। अबे मैंने बोला था किसी चीज के ऊपर सोच ऐसे मत करो। गाइस यार मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट टू लेके आऊं तो यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो पार्ट टू। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ के सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे इसको नए गेम में। जब तक के लिए सायोनारा।